तो है गाइस, मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मैं पोर्ट्रेट कैसे बनाता हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ पोर्ट्रेट। तो सैलरी स्टेशन में हूँ मैं अभी। संगल जी बैठा था, मैंने जाके बोला कि सर जी आपका पोर्ट्रेट बनाऊँ, तो बोला हाँ बना लो, मैं बैठा हूँ। तो पहले मैं इरेजर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं चारकोल से करता हूँ, न्यूज़ प्रिंट पेपर लेकर। ठीक है, तो पहले मैं रफली ऐसे स्केच कर लेता हूँ, क्योंकि अगर एक प्रॉपर लाइन से मैं शुरू करूँ तो फिर वो गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, फिर वो इरेज करना पड़ता है। इसलिए आप लाइटली करते जाओ, पहले आप जो देखते हो वही करते जाओ, क्योंकि अगर फर्स्ट से आप अच्छे करने की कोशिश करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं हो पाएगा। बहुत प्रैक्टिस, बहुत टाइम देने की ज़रूरत है, फिर जाके आप एक वर्क अच्छे से कर पाओगे। लेकिन वो जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप कम समय में वो अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस का मामला है। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना ही अच्छा। मैं जो भी पोर्ट्रेट ये बना रहा हूँ, इसमें एक भी प्रॉपर लाइन नहीं है, और बहुत ऐसा लाइन है जो सही भी नहीं है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये अभी लाइट में है। जब आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे अच्छे से पोर्ट्रेट का, जो आई, नोज, लिप्स, तो सब ऑब्जर्व करने के बाद आपको धीरे धीरे ऑप्ट करते जाना है, तो धीरे धीरे वो फेस आपका आ जाएगा। और फर्स्ट आप अगर अच्छा करने की कोशिश करो तो नहीं होगा, तो आपके पास टाइम रहेगा, तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है आपको। ऑब्जर्वेशन आपका सही नहीं रहेगा तो फिर आप जितना भी समय दे दो, टाइम दे दो, नहीं कर पाओगे। तो यही है, और धीरे धीरे करना, चाहे आप आउटडोर कर रहे हो, वाटर कलर, स्केच, पोर्ट्रेट, जो भी कर रहे हो, आपको वो टाइम मेंटेन करके एंड ऑब्जर्वेशन करके आपको करते जाना है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आप सुंदर करने की कोशिश करते हो, तो भाई सुंदर करो, ठीक है, लेकिन हमेशा सुंदर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सुंदर करने के चक्कर में आप कई जगह पे मिस्टेक कर देते हो, गलतियां करते हो, वो ठीक नहीं करते हो, वो छोड़ देते हो वही जगह पे। मैंने देखा है जो सियालदा में काफ़ी स्केच करता है, तो वो सुंदर के चक्कर में वो जहाँ गलती करता है, मिस्टेक करता है, वो नहीं पकड़ता है, वो पेज वहीं पे छोड़ देता है। तो ये नहीं करना है आपको। जब प्रैक्टिस के लिए जाना है तो आप प्रैक्टिस के लिए टाइम दो, आप खुद से क्या सीख रहे हो ये इसमें टाइम दो। आपको ये नहीं कि आपको सुंदर करना है, अब अच्छा करो, चाहे वो बहुत बुरा लगे देखने में। और ऐसा अच्छा नहीं कि जो जितना स्किलफुली वर्क करता है वही अच्छा वर्क है, वही आर्टिस्ट होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। अभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी होता है, तो आपको पता है, और नहीं पता है तो बाद में वीडियो लाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि कोई सुंदर कर रहा है, बहुत सुंदर कर रहा है, तो आपको भी सुंदर करना है, ऐसा नहीं है। वो प्रैक्टिस क्या है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर जाके वो सुंदर कर रहा है। तो आप अगर ऐसा सुंदर करने जाओगे तो फिर गलतियाँ रह जाएगा आपका अंदर, तो वो नहीं करना है आपको। प्रैक्टिस के भी टाइम देना है, प्रैक्टिस के टाइम आपको सीखना है बस, चाहे वो इतना सुंदर नहीं हो, लेकिन आपको अच्छा करना है। वीडियो में इतना ही था। ठीक है, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को।